दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज क्या है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वर्ग यानी सॉरी सर्कल यानी कि वृत्त लेके आए हैं। दोस्तों मतलब क्या हुआ, वृत्त के बारे में हम सारे कुछ बताने वाले हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, चाप कॉर्ड को हिंदी में चाप कहते हैं दोस्तों, ये त्रिज्यखंड क्या होता है, ये सारे चीज हम आज बताने वाले हैं। इसे लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा मत लास्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये छूट गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन का आपने पांच क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। पांच क्वेश्चन मतलब बहुत कुछ होता है दोस्तों, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पांच क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वृत्त, वृत्त क्या होता है ना, वृत्त में आज हम बहुत कुछ पढ़ेंगे तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी अगर मेंसुरेशन का और भी पार्ट देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब हमने बताया है उसमें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सर्कल, वृत्त, वृत्त क्या होता है। वृत्त कहा जाता है कि आप किसी भी बिंदु से, मतलब किसी भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए और उससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि हमने एक ये कोई दूरी लिया, इस दूरी पर इसके चारों ओर है ना एक गोलाकार आकृति खींचिए और वह आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए और उसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी ये जो आकृति बनी है ये क्या है, सर्कल है, है ना। तो क्या लिखेंगे कि किसी भी बिंदु से निश्चित दूरी पर खींची गई उस बिंदु के चारों ओर, है ना, ये किसी निश्चित बिंदु पर, ध्यान दीजिए निश्चित बिंदु पर इसके चारों ओर खींची गई गोलाकार आकृति को हम वृत्त कहते हैं। और याद रखेंगे ये बंद यानी क्लोज ये डायग्राम होता है, बंद आकृति होती है। अब दोस्तों इससे बात आती है वृत्त की, ये तो वृत्त हो गया। अब इसके बाद आती है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको बतानी है, वह क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस क्या होता है। तो रेडियस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उससे पहले आपको एक समझना होगा सेंटर, सेंटर यानी केंद्र क्या होता है, है ना। तो हम कहेंगे कि जिस बिंदु से निश्चित दूरी पर जो गोलाकार खींची गई आकृति होती है तो वह जो बिंदु होता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यानी ये जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा सर्कल। अब ये हो गया आपका क्या, पॉइंट यानी केंद्र हो गया। और इसको हमेशा याद रखिएगा हम ओ से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं ओ से। अब आते हैं तो रेडियस के बारे में, रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, यानी केंद्र से परिधि, ये इसको कहते हैं परिधि, सर्कमटेंस कहते हैं दोस्तों। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये देखिए ये केंद्र हो गया, इससे ये परिधि हो गया, ये जो रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी इसी को हम कहते हैं रेडियस। यही हमारा क्या हो गया, रेडियस। अब उसके बाद आते हैं, ये तो त्रिज्या हो गया, सेंटर भी आप समझ में आ गया। दोस्तों अब हम समझेंगे कि व्यास क्या होता है, डायमीटर जिसको कहते हैं, व्यास यानी रेडियस समझ लिए, सेंटर समझ लिए, त्रिज्या समझ लिए, है ना दोस्तों। अब समझते हैं व्यास यानी डायमीटर क्या होता है, डायमीटर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये डायमीटर क्या है, डायमीटर उसे कहते हैं कि ऐसी रेखा, ऐसी परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा, लाइन जो केंद्र से होकर गुजरती है हम उसे डायमीटर यानी व्यास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर यानी सेंटर से होकर गुजरती है हम उसे क्या कहते हैं, व्यास। यानी जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा हो गई, देखिए परिधि से परिधि को मिला दी, है ना, और चूंकि ये कहां से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। यानी इसी को कहते हैं हम इंग्लिश में डायमीटर, डायमीटर। और यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि हम लोग पढ़ते हैं कि डायमीटर जो होता है इसको डी से डिनोट करते हैं और इसको आर से, ये ध्यान रखिएगा। तो डायमीटर जो होती है वह त्रिज्या की दोगुनी होती है, होती है कैसे, एक त्रिज्या ये हो गया आर और दूसरा त्रिज्या ये क्या हो गया, आर। तो हम डायमीटर बराबर कह सकते हैं 2R, यानी कि व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2 multiples होती है। तो इसको याद नहीं करना, इसको समझना है कि क्यों होता है। अब दूसरी बात आती है कि ये
ये इसको क्या कहते हैं, ये जो घुमा है चारों तरफ जो घूमी है इसको क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं दोस्तों परिधि, है ना, इसी को कहते हैं सरकमस्टांस, है ना, सरकमस्टांसेज इसको कहा जाता है, यही तो परिधि है। अब इसको याद कीजिए, त्रिभुज चतुर्भुज हमने आपको क्या पढ़ाया था, पेरीमीटर, पेरीमीटर पढ़ाया था, पेरीमीटर, तो वही पेरीमीटर इसमें यहाँ परिधि हो जाता है, है ना, सर्कमस्टांस यानी परिधि यही हुआ, इसी को तो हम कहते हैं पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर हो गया और उधर क्या हो गया, परिमाप, है ना, तो यहाँ परिधि हो गई वहाँ परिमाप हो गया, एक ही अंतर है, परिज और मतलब परिधि मतलब किसी गोलाकार आकृति के चारों तरफ घूम जाना परिधि, जैसे आप देखते होंगे जो रनिंग करता है वो गोलाकार आकृति में जब वो रनिंग करता है तो एक चक्कर जो वो लगाता है वही तो उसकी परिधि है, है ना, क्योंकि उसने एक चक्कर पूरा किया तो वही तो उसकी परिधि हो गई। और हम लोग इसी को फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, कि परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, क्या होता है, परिधि बराबर 2πr, r क्या है दोस्तों, r है आपकी त्रिज्या, r क्या है त्रिज्या, और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14, तो यानी पाई हमारा कांस्टेंट टर्म होता है जिसकी वैल्यू या तो 22/7 ले लीजिए या 3.14। अब पूछेगा सर ये कब लेंगे, ये कब लेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है ना, तो अगर वो दे देगा फिर हमको कोई टेंशन ही नहीं लेना है ना, तो पाई की वैल्यू आता है 22/7 लीजिए नहीं तो 3.14 लीजिए, ये आपकी हो गई परिधि, है ना, पेरीमीटर की बात हो गई, परिधि सर्कमस्टांस की बात हो गई। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आसान, ये अगर समझ में आ गई तो समझ लीजिए आप पूरा सर्कल का आधा पार्ट समझ गए, आधा भी बचा हुआ है ना, तो ये हो गई आपकी क्या, हमने आपको परिधि बता दिया 2πr। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि पाई से उसके आर स्क्वायर को गुना कर दीजिए तो वही उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। अब समझ में आई कि ये क्या हो गया, परिधि 2πr, क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये इजी वे में आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो हम पढ़ते आए हैं, तो चलिए इंपॉर्टेंट जगह पर चलते हैं और समझाते हैं आपको कि चाप क्या होता, कॉर्ड क्या होता है ना, कॉर्ड को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सीखेंगे जीवा और चाप क्या होता है, कॉर्ड एंड आर्क, थोड़ा सा तभी सिली मिस्टेक हो गया थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में, यानी कॉर्ड यानी जीवा क्या है, आर्क यानी चाप क्या है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई सर्कल ड्रॉ किया, हमने क्या किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, तो अगर ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया यानी सेंटर हो गया, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों अगर किसी भी परिधि के दो बिंदु को, यानी परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया, लेकिन यही जीवा अगर केंद्र से होकर गुजर जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यही जीवा अगर केंद्र से गुजरती है तो उसे व्यास कहते हैं। दोस्तों यही कोड अगर केंद्र से होकर गुजरती है तो जीवा कहते हैं। यहां एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, है ना, सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वह कौन सी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्यास होगा, यानी डायमीटर जो होता है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। जो अब ध्यान दीजिए सेंटर तो मिडिल में होता है, अब इसके नीचे जाएंगे तो लाइन क्या हुआ, छोटे होते चला जाएगा, और इसके ऊपर भी जाएगा तो लाइन क्या हुआ, छोटे चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ी जो जीवा होगी वह कौन सी होगी, व्यास यानी हमारा डायमीटर होगा। तो ये पहली बात हो गई जीवा के बारे में। अब दूसरी बात आते हैं चाप, तो यानी कि हमने जो ये जीवा जो खींचा है तो इसके बीच की जो दूरी है, जैसे यहां से यहां ये जो दूरी है इसी को हम कहते हैं
चाप, इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और ये इतना दूरी को हम कहते हैं चाप की लंबाई, क्या कहते हैं, चाप की लंबाई। तो ये छोटा वाला है इसलिए हम कहेंगे इसे लघु चाप, और ये चूंकि बड़ा वाला है इसलिए हम इसको कहते हैं दीर्घ चाप, क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपसे पूछेगा चाप क्या होता है तो हम कहेंगे कि जीवा के द्वारा जितना स्थान ये लिया गया है, मतलब जितना दूरी यह लिया गया है वही क्या कहलाया, चाप कहलाया, मतलब कोड कहलाया, सॉरी आर्क कहलाया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा आर्क हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा जीवा क्या होती है, तो परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। चाप क्या होती है, और ये जो जीवा जो है जितना दूरी इन्होंने तय किया हम उसे क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, यानी आर्क कहते हैं। तो इसी में हम कहते हैं कि ये लघु चाप हो गया और ये दीर्घ चाप हो गया। अब क्वेश्चन यहां क्या पूछता है, यहां क्वेश्चन पूछता है कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, इस चाप की लंबाई क्या होगी। कि ये जो आपने कहा कि यहां से यहां इन्होंने जो ये लिया है तो इस चाप की लंबाई बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा ये चाप जो है कुछ ना कुछ यहां से एंगल बनाता है, ये जो चाप है ये क्या करता है, कुछ ना कुछ कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाया, तो हम कहेंगे कि चाप की जो लंबाई होती है, चाप की जो लंबाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। याद रखिएगा चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। अब क्यों होता है ये बताते हैं हम, देखिए क्योंकि 2πr तो पूरा का होता है, परिधि का होता है। अब हमको इतना ही दूर चाहिए, तो भाई ये कुछ ना कुछ तो ये एंगल यहां बनाएगा, तो ये जो एंगल बनाएगा वही एंगल के हिसाब से ये चाप की लंबाई तय होगी। तो अब ये मान लीजिए जैसे घड़ी की सुई देखते, घड़ी की सुई देखे है ना, तो वहां पूछता है ना कि 9 बजे से है ना 6 बजे के बीच कितना एंगल बनाएगा, तो वो पूछता है कि नहीं पूछता है। तो ये घड़ी ही समझ लीजिए, तो हम वहां थीटा एंगल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो यहां अभी तो हम थीटा एंगल निकालेंगे कि आखिर ये यहां से यहां जो गया तो कितना डिग्री ये गया ना, क्यों, क्योंकि सर्कल में हमेशा रेडियन में बात की जाती है कि कितना रेडियन वो होता है ना, एंगल नहीं रेडियन इसको से बोला जाता है। तो दोस्तों तो चाप की जो लंबाई का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। अब दूसरी बात है कि अब ये जो हमने दो वो आर बनाई, ये क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है। अब ये जो आर बनाए तो ये जो इस तरह से आकृति बना, ये आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम यहां लिख देते हैं दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखिए दोनों में समानता कितनी है, लंबाई पूछा तो परिधि यूज किए है ना, अब इसका क्षेत्रफल पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो पाई आर स्क्वायर यूज कर लिए है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब यह डिपेंड करता है कि यह थीटा कितना है उतना इसका क्षेत्रफल होगा, तो बहुत इजी होगा ये। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज हम लोग क्लॉक में करेंगे, जब हम क्लॉक पढ़ाएंगे आपको, घड़ी पढ़ाएंगे, तो उस समय इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, त्रिज्यखंड का और ये चाप का। तो उस समय ध्यान रखना होगा कि क्या हम करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम बताते हैं। तो दो चीज यहां याद रखें दोस्तों, चाप की लंबाई 2πr थीटा बटे 360 डिग्री और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब चलिए हम सारे फॉर्मूले को एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको उतारने में आसानी हो, तो हमने समझा दिए आपको, अब सारे फॉर्मूला को एक जगह हम लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों सारे फॉर्मूले हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या होता है, वृत्त की परिधि, ये ध्यान रखिएगा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr अभी हम बताए थे, और पाई का वैल्यू क्या लेना है, 62.7 या 3.14। उसके बाद आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। और एक चीज और याद रखिएगा, यह डायमीटर जो होती है वह त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। अब ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ाया आपको, सीधा हमने पढ़ाया चाप की लंबाई, क्या पढ़ाया चाप की लंबाई क्या होती है, 2π r θ/360 डिग्री। और दूसरा हमने पढ़ाया आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पढ़ाया त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, π r²θ/360 डिग्री। देखिए ये चार फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो हम आपको ये चारों के चारों फॉर्मूला एक जगह लिख दिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको आसानी से ले सकते हैं। इस पर संबंधित सवाल बहुत सारे हैं, है ना, अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, परिधि है, क्षेत्रफल है, लंबाई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पूछेगा कि सर स्पर्श रेखा कहाँ पर आए, तो दोस्तों वह ज्योमेट्री का सेक्शन है, वह मेंसुरेशन का सेक्शन नहीं है। तो जब हम ज्योमेट्री में जाएंगे तो उसको ज्योमेट्री में देखेंगे, इसको यहाँ नहीं लाने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ हमको इसके क्षेत्रफल और इसके परिधि के बारे में पढ़ना, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल सब बहुत सारे आते हैं, चाहे वह परिधि का हो, चाहे क्षेत्रफल का हो, चाहे लंबाई का हो, चाहे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हो। तो इसको हम दोस्तों अगले वीडियो में देखने वाले, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते जिसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते सिर्फ हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन वाले वीडियो देख लेंगे, जो थ्योरी पढ़ना चाहते हो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों वाला वीडियो देख लेंगे। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया कि एक साथ आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन है, दो क्लास सिर्फ सर्कल पे, फिर उसके बाद हमारा चलेगा मैराथन क्लास, किसका, तो सवालों का, चित्रमिति से जितने भी सवाल होंगे हम आपके सामने लाने वाले हैं, इसलिए जरूर उस वीडियो को देखिएगा, है ना, ये दो और तीन क्लास के बाद वो आएंगे क्लास, तो इसलिए जाइएगा मत दोस्तों, अंत तक बने रखिएगा उस वीडियो में और देखिएगा सारे सवाल को हम एक साथ लाएंगे और पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सर्कल यानी वृत्त में जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन के अलावा और कुछ भी नहीं बात होगी दोस्तों, सिर्फ समझाने का कि बनाते कैसे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।